पौड़ी में प्रधानाचार्य के उत्पीड़न का मामला सामने आया है, जहां फर्जी पीटीए शिक्षकों की नियुक्ति का विरोध करने पर प्रबंधक ने प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया है। दरअसल प्रधानाचार्य अरविंद नेगी ने शिक्षकों की नियुक्तियों की जानकारी सूचना के अधिकार में मांगे जाने पर संबंधित को उपलब्ध करवा दी थी। वहीं प्रधानाचार्य का कहना है कि फर्जी उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करने के लिए उन पर दबाव बनाया गया, जिसका विरोध करने पर उनका उत्पीड़न किया गया। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। समिति की कार्यों का तो मुझे पता ही नहीं है सर कि कब विज्ञप्ति निकली, किसने निकाली, किस विषय की निकली है, ये मुझे कुछ पता नहीं है जी। मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही कि प्रबंध समिति का कोई न मेरे साथ बैठक हुई है, न प्रबंध समिति बैठक में मुझे कभी बुलाया है। आपका किस विषय में विज्ञप्ति निकली है, किस विषय में नियुक्ति होनी है, मुझे कुछ पता नहीं है सर। आपका भी इंटरव्यू होना है। सात तारीख तक लगा रखे हैं दो, वो 2017-18 में उन्होंने काम किया, उसके बाद वो चले गए थे, फिर उनको बहाल कर दिया गया है, पता नहीं कैसे हुआ।